आज हम संधि से रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान CET 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो में अपन तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि गवाक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इस शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गोधन अक्ष। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, और मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है, तो वह विकल्प बताना है जिसमें सही संधि विच्छेद है। तो वह विकल्प है पावक बराबर पोधन अक, ये जो शब्द हैं इसमें सही संधि विच्छेद है। अगला सवाल है कि इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो वह शब्द बताना है जिसका संधि विच्छेद सही नहीं है। तो वह शब्द है अजंत बराबर अजदन अंत। अगला सवाल है कि अभिप्सा का सही संधि विच्छेद है, तो अभिप्सा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अभिधन इप्सा। अगला सवाल है कि यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो यथेष्ट का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो उसका सही संधि विच्छेद होगा यथाधन ईष्ट। अगला सवाल है कि किस शब्द का संधि सही है, यानी किस शब्द की संधि है जो सही है वो आपको बताना, सही नहीं है वो आपको बताना है, तो वह शब्द है अभिधन ईष्ट अभीष्ट, इसकी जो संधि है ये सही नहीं है। अगला सवाल है कि इनमें से किस शब्द की संधि सही है, तो वह शब्द बताना है जिसकी संधि सही है, तो वह शब्द है पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। अगला सवाल है कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो संस्कृत का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो वह शब्द है समधन कृत। ठीक है, समधन कृत जो है इसका ये जो संधि विच्छेद है ये सही है। अगला सवाल है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आपको विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, तो उदाहरण है मनोयोग। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है, तो वह शब्द बताना है जो सही है संधि के लिए, तो वह शब्द है मिष्टान। अगला सवाल है कि स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, वह शब्द बताना है जो स्वर संधि से निर्मित नहीं है, तो वह शब्द है उत्थान। अगला सवाल है कि किस समूह में यण संधि रहित शब्द हैं, वह समूह बताना है जिसमें यण संधि रहित शब्द हैं वो आपको बताना है, तो वह समूह है पितृनुमति यद्यपि और षडानन, ये जो समूह है ये यण संधि रहित शब्द समूह हैं। अगला सवाल है कि एक धन एक मिलकर क्या होता है, तो आपको याद रखना है एक धन एक होता है एक एक। अगला सवाल है कि स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, तो स्वर संधि के आपको भेद बताने हैं, तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। अगला सवाल है कि आश्चर्य में संधि है, तो आश्चर्य में आपको संधि बतानी है कौन सी संधि है, तो आश्चर्य में संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि सज्जन में संधि है, तो सज्जन में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो सज्जन में संधि है व्यंजन संधि। अगला सवाल है कि निराहार में संधि है, तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो निराहार में क्या कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो निराहार में जो संधि है वो संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि दुशासन में संधि है, तो दुशासन में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो दुशासन में संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि निराशा में संधि है, तो निराशा में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो निराशा में संधि है विसर्ग संधि। अगला सवाल है कि देव्यागमन में संधि है, तो देव्यागमन में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो देव्यागमन में संधि है यण संधि। अगला सवाल है कि संरक्षण में संधि है, तो संरक्षण में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो संरक्षण में संधि है व्यंजन संधि। अगला सवाल है कि ज्ञानोपदेश में संधि है, तो ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है वो आपको बताना है, तो इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। अगला सवाल है कि पुस्तकालय में संधि है,
तो पुस्तकालय में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो पुस्तकालय में संधि है दीर्घ संधि। अगला सवाल है कि मनोबल में संधि है, तो मनोबल में कौन सी संधि है वो आपको बताना है। तो मनोबल में संधि है विसर्ग संधि। और लास्ट और अंतिम सवाल है कि इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो कौन सा संधि विच्छेद है जो गलत है वो आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारे जो क्लास को अटेंड करते हैं इनमें से कितने लोग हैं जो होशियार हैं, ठीक है। इसमें आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि कितने प्रश्न हैं जो आपने गलत किए हैं। और हमें लास्ट में ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, वो भी हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।